नमस्कार, मैं नितेश दुबे, आप देख रहे हैं जन की बात। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि कोटा में फंसे करीब 9000 कोचिंग पढ़ रहे छात्रों को अपने गृह राज्य वापस लाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी, आगरा और उरई की करीब 300 से अधिक बसें कोटा भेजने का निर्णय किया और इनमें से 100 बसें करीब 3000 छात्रों को लेकर के उत्तर प्रदेश आ भी चुकी हैं। बांद्रा में हजारों की तादाद में मजदूर फंसे हुए थे, लेकिन सभी सरकारों ने बोल दिया जो मजदूर जहां पर फंसे हैं वो वहीं पर रहें। अगर महाराष्ट्र सरकार उन्हें 2 वक्त की रोटी देती तो बांद्रा में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा नहीं होते। कोटा में छात्र सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं पढ़ते हैं, देश के कई राज्यों से पढ़ते हैं। इसी संबंध में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि क्या वो भी अपने छात्रों को लाएंगे गृह राज्य में, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है जहां पर जो फंसे हैं वहीं पर वो रुके रहे। उत्तर प्रदेश सरकार जो इन छात्रों को अपने गृह राज्य वापस ला रही है उनके लिए काफी अधिक सावधानियां भी बरती जा रही हैं। बसों की संख्या करीब 300 से अधिक की गई है और एक बस में कुल मिलाकर 25 से अधिक छात्र नहीं होंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। चालकों का हेल्थ प्रशिक्षण किया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद उन्हें बस में बैठने का निर्देश दिया गया है। बसों को भी पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया है। जो लंबी दूरी वाली बसें हैं यानी लंबी रूट वाले छात्र हैं उनके लिए बसों में 2 चालकों की व्यवस्था की गई है और हर एक बस में 1 पुलिसकर्मी और 1 गार्ड भी तैनात रहेगा। साथ ही साथ छात्रों को पहले झांसी और आगरा लाया जाएगा, जहां उनको लाने के बाद तय किया जाएगा कि इन छात्रों को कैसे उनके गृह जनपद भेजना है। इन छात्रों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, खाने और पीने का पूरा इंतजाम भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। छात्रों के लाने की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सराहा है और उन्होंने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिर में मजदूरों का क्या कसूर है, उन्हें भी दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए, सकुशल वापस लाया जाए। धन्यवाद, देखते रहिए जन की बात।